सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में टेबल के अंदर सीरियल नंबर कैसे ऐड करते हैं। गूगल डॉक्स के ऊपर इससे पहले करीब 35 से ज्यादा टॉपिक्स में कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल डॉक्स का पेज ओपन है और यहां पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम ब्लैंक है। तो पहले वाले कॉलम में सीरियल नंबर यहाँ पे हमने लिखा है। अब इसके नीचे हम जो सीरियल नंबर जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जहां पर भी आपको सीरियल नंबर ऐड करना है, सिंपल उस सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे यहां तक सीरियल नंबर ऐड करना है, तो मैंने इसको यहां तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको चलना है ऊपर के रिबन में फॉर्मेट ऑप्शन में, ये रहा फॉर्मेट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमको जाना है बुलेट्स एंड नंबरिंग पे, ठीक है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर ऐड नहीं होता है, हमें उसके आगे का भी प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जब हमने क्लिक किया, तो उसके बाद आता है ये नंबर लिस्ट, ठीक है। तो नंबर लिस्ट पे जब अपना कर्सर ले जाएंगे, तो देखिए राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको पहला वाला सेलेक्ट करना है। तो जब हम पहले पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे सेल्स में 1-1 लिख करके आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सारे सेल्स में 1-1 लिख करके आ रहा है। अब आगे की सीरियल नंबर कैसे ऐड करेंगे, तो क्या करना है हमें, पहले इसको इसका सिलेक्शन हटा दीजिए, यानी कि बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सिलेक्शन हट गया। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, हमको दूसरी सेल से लेकर के जहां तक हमको सीरियल नंबर चाहिए वहां तक सेलेक्ट करना है। तो हमने दूसरी सेल से सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको नीचे तक ला लेते गए यहां तक, और यहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि लास्ट सेल तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर कहीं पर भी बीच में जहां पर भी आपने सिलेक्शन किया है, उसके बीच में कर्सर ले जा करके राइट क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है कंटिन्यू प्रीवियस नंबरिंग, ठीक है। ये ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, कंटिन्यू प्रीवियस नंबरिंग। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर सारे ऐड हो गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 13 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं गूगल डॉक्स में टेबल के अंदर।